आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारी बातें आई मन में कहने के लिए, लेकिन हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूँ, किससे बोलूँ, कितना बोलूँ। देखिए, स्टार्स भले ही हम कहलाते हैं, लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है। हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, हमने फिल्मों के जरिए हमारे देश के कल्चर, हमारी वैल्यूज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। जब जब हमारे देश की जनता के सेंटिमेंट्स की बात आई, जो भी जैसा भी आप महसूस कर रहे थे, इतने सालों से फिल्मों ने उसे ही दिखाने की कोशिश की है। चाहे वो एंग्री यंग मैन वाला आक्रोश हो, या फिर करप्शन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, हर इशू को सिनेमा ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में अगर आज आपके सेंटिमेंट में गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी हमारे सर माथे पर है। सुशांत सिंह राजपूत की सडन डेथ के बाद से ऐसे बहुत से इश्यूज सामने आए हैं जिन्होंने हमें भी इतना ही दर्द दिया है जितना आप सबको, और इन मुद्दों ने हमें अपने खुद के गिरेबान में झांकने को मजबूर किया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर किया है, जिन पे ध्यान जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नारकोटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है। मैं आज दिल पे हाथ रख के कैसे आपसे झूठ बोल दूं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, ज़रूर करती है, वैसे ही जैसे हर इंडस्ट्री पर, हर प्रोफेशन में होती होगी। पर हर प्रोफेशन का हर इंसान उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है। ड्रग्स इज अ लीगल मैटर, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज और कोर्ट्स इस पे जो भी जांच, जो भी एक्शन ले रही है, वो बिल्कुल सही होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह कॉपरेट करेगा। पर प्लीज हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो। ये सही नहीं है, ये तो गलत है ना। मुझे पर्सनली हमेशा से मीडिया की ताकत में बहुत विश्वास रहा है। हमारा मीडिया अगर सही मुद्दे सही वक्त पे ना उठाए, तो शायद बहुत से लोगों को ना आवाज मिलेगी, ना इंसाफ। मैं मीडिया से तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपना काम, अपनी आवाज उठाना जारी रखें, लेकिन प्लीज थोड़ा सेंसिटिवली, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज किसी इंसान के सालों की रेपुटेशन, बरसों की कड़ी मेहनत को बर्बाद करके रख देगा। और आखिर में आप फैंस, आप लोगों को मेरा यही मैसेज है कि यार, आप सब नहीं तो हमें बनाया है, आपका विश्वास जाने नहीं देंगे। अगर आपको कोई नाराजगी है, तो हम और मेहनत करेंगे अपनी खामियों को दूर करने की। आपका प्यार और विश्वास जीत के रहेंगे। यार, आप हो तो हम हैं, बस साथ निभाए रहना, साथ बनाए रखना। बस थैंक यू वेरी मच।